प्रेरक प्रसंग, कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, हे सच्चे पातशाह, मेरे से कौन भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। बीवी ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीवी ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है। उस बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीबी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा। वह रोज लड़ाई झगड़ा करते रहा। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। फिर इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बीबी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी, शुक्र मना के इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर बीबी एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। शिक्षा, हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग, बेईमान दूध वाला। एक गांव में एक दूध वाला रहता है। उसके पास चार गायें थी, जिनका दूध निकालकर वह शहर जाकर बेचा करता था। शहर जाने के लिए दूध वाले को गांव की नदी पार करनी पड़ती थी। वह नाव से नदी पार कर शहर जाता था और अपने ग्राहकों को दूध बेचकर नाव से ही वापस गांव आ जाता था। दूध वाला एक बेईमान व्यक्ति था। नदी पार करते समय वह रोज दूध में नदी का पानी मिला देता और पानी मिला दूध अपने ग्राहकों को बेचा करता था। इस तरह वह बहुत मुनाफा कमाया करता था। एक दिन ग्राहकों से दूध के पैसे इकट्ठे कर दूध वाला शहर के बाजार चला गया। कुछ ही दिनों में उसके बेटे का विवाह था। उसने बाजार से ढेर सारे कीमती कपड़े, गहने और आवश्यक सामग्रियां खरीदी। खरीदारी करते करते उसे शाम हो गई। शाम को सारा सामान लेकर वह गांव लौटने के लिए नाव से नदी पार करने लगा। नाव में लदे सामान का भार अधिक था, जिसे नाव झेल नहीं पाई और असंतुलित होकर पलट गई। दूध वाले ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, किंतु कीमती सामानों को नहीं बचा पाया। सारा सामान नदी की तेज धार में बह गया। कीमती सामान से हाथ धो देने के बाद दूध वाला दुखी हो गया और नदी किनारे बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी नदी से एक आवाज आई, रोते क्यों हो भाई, तुमने वही गंवाया है जो धोखा देकर कमाया था। दूध में पानी मिलाकर जो तुमने कमाया वो पानी में ही चला गया। अब रोना बंद करो, ये तुम्हारी बेईमानी का फल था। शिक्षा, अपने काम में सदा ईमानदारी रखें। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।